शायद पहचानने में तुम्हें थोड़ी देर हो गई, और ये तुम्हारा हक है। मैं कौन हूं कि मैं तुम्हारे हक को तुमसे छीनूं? राइबा, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। जिंदगी भर का दुख लेकर कौन सा सुख दोगे मुझे? ये जो डिजर्व करती है, जिसकी किस्मत की है, उसी को दो। यार रेहान, सही से बता, तेरा मसला क्या है? आखिर तुझे कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती? अरे यार, पसंद तो आती है, लेकिन उनमें से वो नहीं है यार जिसकी तलाश मुझे है। वाह वाह, इसका मतलब है भाई साहब खूब से खूब तर की तलाश में है। रेहान, वो कहते हैं ना, इंसान अक्सर बेहतर के चक्कर में मुयस्सर से भी हाथ धो बैठता है। मेरे भाई, इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, इनमें से कोई एक पसंद करो और अपनी अम्मी को जाके बता दो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अब देखो, मुझे सिर्फ खूबसूरती तो चाहिए नहीं, लड़की में कोई दिमाग वगैरह भी होना चाहिए। Someone who can carry a good conversation, you know. चल ये बता के भाभी जान दिखने में होंगी कैसी? मेरा मतलब है किस तरह की लड़की चाहिए तुझे? अगर मुझे पता होगा कहीं नजर आई तो मैं उसी वक्त तुझे बता दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो सर उठा के देखना नहीं है और ये डिपार्टमेंट तो है ही मेरा। यार सच कोई स्केच वगैरह तो नहीं बनाया हुआ मैंने, बट इफ आई कम टू थिंक ऑफ इट, देन ताहिर से खूबसूरत होना चाहिए, और जो उसके बाल है ना, बहुत घने स्याह काले और लंबे होने चाहिए, उसकी कमर तक आने चाहिए। तुम्हें पता है बाल मेरी कमजोरी है। उसकी आंखें उसकी आंखों को जब मैं देखूं तो नजर न ठहर सके, और जब वो मुस्कुराए तो वाह 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 वाह। आप तो बहुत ही बड़े ड्रीमर निकले, पूरी लड़की दिमाग में आपने बनाई हुई है। यार फिर से खुद ही तो कहा था तुमने। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था, मुझे ये नहीं पता था इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन होगी कि मेरा घर ही आ जाएगा। चलो यार, फिर आई विल सी यू सून। अच्छा ये तो बता दे, भाभी की रंगत कैसी होगी? ऑफ कोर्स गोरी। श्योर गोरी? विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग कुसुम खाला। गुड मॉर्निंग। वाह भाई, आज तो तुम लोग बड़े फ्रेश लग रहे हो, क्या बात है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। तुम लोगों की इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई है। कुसुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे, तुम एक दिन भी ना हो ना तो मैं तो परेशान हो जाऊं। इन दोनों को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हालांकि मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मुझे थैंक यू मत कहा करें, ये भी तो मेरे बच्चों की तरह है ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनका ख्याल रखूं। आई लव यू कुसुम आपी, आप हमें बाबा की तरह छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? आई लव यू टू मेरा बच्चा, और मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। और जहां तक आपके पापा का सवाल है, वो कहीं नहीं गए, वो यहाँ है, और जो लोग यहाँ होते हैं वो हमसे कभी दूर नहीं जाते। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कुसुम मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ड्राइवर घर पर ही है, इन दोनों को ट्यूशन भेज देना, वरना ये तो छुट्टी करने के मूड में होते हैं। और तुम लोग तंग मत करना कुलसुम को, अगर मुझे कुछ शिकायत मिली ना तो मैं ठीक कर दूंगी। बाय, खुदा हाफिज़। तंग मत करना कुलसुम आप ही को, हाँ मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, ध्यान घर पर ही है, उसकी भी खबर ले लेना। जी बिल्कुल, मैं देख लूंगी। बाय, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सही तरह खाओ, तुम लोग सही तरह नहीं खा रहे हो। अच्छा, समझ नहीं आता कि क्या मुसीबत है इस लड़की के साथ। ये लो तुम्हारी गरम गरम कॉफी। मैं तुम्हें कितनी दफा मना किया कि मेरे कमरे की सेटिंग चेंज मत किया करो, तुम्हें बात समझ नहीं आती है? कहाँ रखी है वो मेरी काली फाइल, ढूंढ के दो मुझे।
मजाक बना लिया हुआ। ये लो और मुझे कल्लो नहीं बुलाया करो। जब तक तुम मुझे तंग करना नहीं बंद करोगी मैं तुम्हें कल्लो ही कहूंगा। हटो यहाँ से। तुमने काले लोग देखे कहाँ है अब तक? कल्लो में और ब्रिटिश कलर में बहुत फर्क होता है। हाँ ये काले ना कहलवाने के बहाने होते हैं। गंदमी सांवला काला काला ही होता है। इतनी चीनी इसके अंदर, मैंने तुम्हें मना किया इसमें चीनी मत डाला करो। हाँ तो जैसे फीके और कड़वे में फर्क होता है उसी तरह गंदमी और काले में फर्क होता है। समझ में आई? ये जो ब्लैक कॉफी होती है ना इसके अंदर चीनी नहीं डालते। दो घंटे जॉगिंग करके आओ उसके बाद कैलोरीज ले लो, फायदा क्या? हाँ तो क्या हो गया, ये जो मुंह से तुम्हारे कड़वी कड़वी बातें निकलती है एटलीस्ट इसमें मिठास तो आ जाएगी। वो नहीं होने वाला। और मैं इसलिए भी डाल देती हूँ कि पूरा दिन तुम मेहनत मशक्कत करते हो, इस तरह तुम्हारा दिमाग ही ना सूख जाए। एक तो इतना ख्याल रखो, ऊपर से कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। किसने कहा तुम्हें मेरा ख्याल रखने ना रखा करो। ठीक है बेटा, जब मैं चली जाऊंगी ना तो पुकारते रहना कल्लो कल्लो। ओ जाओ जाओ, मेरी तरफ से कल की जाती, आज जाओ तुम जाओ। अच्छा मेरे कपड़े तो बता दो किधर हैं? ढूंढ लो खुद ही। कल्लो आज भी ऑफिस से देर करवाएगी। कल्लो की बच्ची ने सारा वक्त जाया कर दिया, आज फिर देर हो जाएगी। शौका दरवाजा खोलो। तुम्हें पता है तुम्हारी कुछ बातें ऐसी हैं कि तुम्हारी सारी शरारतें माफ करने को दिल करता है। क्या कर रही हो आज? मैं वो देखो भाई, जो भी कर रही हो ना मेरे कमरे में दाखिल होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बल्कि नजर उठा के भी ना देख। ये ठीक है, भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। अगर एक चीज भी इधर से उधर हुई ना तो तुम्हारी फूफो के पास लाहौर पहुंचा दूंगा तुम्हें, समझी? जी जी, मजा आया मुझे वापस पहुंचाने वाला। कल लो कहीं की। जा मेरे हीरो, तुझ पे सब कुछ हाँ। कितने सहेंगे सितम। अच्छा तू बता रेहान, तेरा क्या चल रहा है आजकल? अपनी गर्लफ्रेंड का बता। क्या मतलब है यार, तुझे पता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। कम ऑन, सदी का सबसे बड़ा झूठ कि रेहान साहब की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कम ऑन यार, इतना हैंडसम आदमी, अरे तेरी तो एक नहीं कई होंगी भाई। यार अली नहीं है ना गर्लफ्रेंड कोई, अगर होती तो बता देता। अच्छा तो फिर मैं साबित कर सकता हूँ कि तेरी गर्लफ्रेंड है। क्या मतलब? अब भाई ये सूट बूट मैचिंग शर्ट, इतना तैयार होके आना, रोज नई नई खुशबू लगाना, ये सब तो वो ही करता है जो किसी को चाहता हो या उसको कोई चाहता हो। अब देख शादी तो तेरी हुई नहीं कि ये सब भाभी करें, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला तो है। I'm sorry, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल गलत है। वो मेरी कजन है जो मेरे लिए ये सब कुछ करती है। ओ, कजन? हाँ, साथ ही रहती है हमारे। अब तो फिर इसका मतलब है तुम्हारी कजन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या बकवास है, हर बात को मजाक में क्यों डाल देते हो तुम? अरे तू इतना सीरियस क्यों हो गया? हाँ सीरियस हो गया हूँ मैं, आज के बाद मुझसे इस तरह का मजाक मत करना। रेहान इसे क्या हुआ? भाई ये सूट बूट मैचिंग शर्ट, इतना तैयार होके आना, रोज नई नई खुशबू लगाना, ये सब तो वो ही करता है जो किसी को चाहता हो या उसको कोई चाहता हो। तो फिर इसका मतलब है तुम्हारी कजन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाय। वैसे तुमने तो मार ही डाला मुझे। कलो आज के बाद बस तुम्हारा कोई काम नहीं करना। क्यों? बस मैंने तुम्हें कह दिया ना तुम मेरा कोई काम नहीं करोगे। अरे लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए। अच्छा चलो मैं सेटिंग अप खराब नहीं करूंगी, ठीक है? कुछ भी नहीं ना, मुझे
कोई हेल्प नहीं चाहिए, मेरा काम मत किया करो बस। क्यों, कोई गलती हो गई मुझसे? देखो कलो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश करती हो, लेकिन वो जो दोस्त है ना मेरे ऑफिस में, मजाक उड़ाते हैं मेरा। क्यों, मजाक क्यों उड़ाते हैं? वो कहते हैं जो लड़की तुम्हारा इतना ख्याल रखती है ना, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। गर्लफ्रेंड? मजाकिया बात है ये, हंस रही हो तुम? वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें हंसी सूझ रही है। अरे मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो तुमसे जलते हैं, हसद करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं ना जो उनका इतना ख्याल रखे। मुझे नहीं रखवाना ना अपना ख्याल बस। अच्छा तुम ऐसा करना कि उन लोगों को बोल देना कि मैं हूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम और मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ हाल ही पैदा नहीं होता। अरे छोटी मोटी बोल रही हूँ, सचमुच थोड़ी, वैसे भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं गए है ना? लेकिन अगर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वो देखने में कैसी है तो मैं क्या कहूंगा? जो तुम्हारे दिल में है कह देना। नॉट अ बैड आइडिया, ठीक कहा है तुमने। मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत खूबसूरत है, उसके लंबे घने स्याह काले बाल हैं जो उसकी कमर तक जाते हैं, उसकी गहरी झील जैसी आंखें हैं जिनमें डूब जाने को दिल करता है, वाह। और जो उसकी रंगत है ना, वो गोरी सफेद चांदनी जैसी बेताब है। गॉट, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा मशवरा दिया तुमने, बिल्कुल यही कहूंगा उन्हें। अब जल्दी से आ जाओ, सबके साथ मिलकर खाना खाते हैं। आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं अम्मी, आपको तो मेरी रूटीन का पता ही है, वक्त कहाँ होता है मेरे पास। आजकल के वक्त में कहाँ लोगों के पास वक्त होता है, लेकिन जरूरी कामों के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है ना। भाई मैं इसे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं दे सकता, ये आगे बढ़ के क्या करेगी, रहेगी तो कल लो ही ना। रहने दे खाला, अगर पढ़ लिखे लोग ऐसे हो जाते हैं ना तो मैं इतनी ही पढ़ी लिखी ठीक हूँ। अरे देखो नाराज कर दिया ना तुमने उसे, कितनी बार मना किया कि उसे इस नाम से मत पुकारा करो। लड़की है, कल को उसे अपने ससुराल भी जाना है, और वहां अगर लोग इसको इस नाम से पुकारने लगे तो क्या मतलब ससुराल जाना है? इसकी शादी होगी ना, मुमकिन, इससे शादी कौन करेगा? रिहान वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। अच्छा सॉरी, आइंदा एहतियात करूंगा। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि अभी जाकर खुद ही उसे मनाओगे भी। ये तो अब मुझसे नहीं होगा क्योंकि मुझे देर हो रही है, चाय भी नहीं पी सकता, मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज, शाम में मिलते हैं अम्मी। अल्लाह हाफिज। खुदाया हर वक्त तंग करता रहता है, पता नहीं क्या होगा इसका। जा यार, हम दोस्तों से कैसी शर्म, मान जा कि तेरी कजन ही तेरी गर्लफ्रेंड है। यार गर्लफ्रेंड तो है पर कजन नहीं। गर्लफ्रेंड है और कजन नहीं है, क्या मतलब? मतलब ये है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो मेरी कजन नहीं है, बल्कि कोई और है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ओ, गर्ल एट नेक्स्ट डोर। अच्छा ये तो बता है कैसी यार?
वेरी प्रिटी, चेहरा उसका ऐसे है जैसे चौदहवीं का चांद, उसके लंबे घने बाल जब जब हवा में लहराते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जैसे घड़ा छा गई, और मुस्कुराहट उसकी ऐसी है जैसे 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 सर्दियों में धूप नहीं है। बस 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 बस, ये तो अपनी गर्लफ्रेंड का हुलिया बता रहा है या मौसम का हाल? क्रेजी यार। चलो गुड, मिल गई तुम्हें तुम्हारी ख्वाबों की लड़की। हाँ वालेकुम सलाम, आज जल्दी आ गए तुम? बस। अरे किसका फोन आ गया? हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अरे कैसी बातें कर रही हैं, जब आपका दिल चाहे आए, ये आपका अपना घर है। आज शाम को आना चाह रही हैं? जरूर जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगी जी। खुदा हाफिज़। किसका फोन? रिहान बहुत अच्छा आवाज, तुम जल्दी घर वापस आ गए। कुलसुम को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ मैं तुम्हें लिस्ट बना के लेती हूँ, तुम बाजार से जाके चीजें लेके आओ, बहुत सारे काम करने, जाना मत कहीं। हाँ अभी लिस्ट बना के देती हूँ। हेलो, आ जाओ। बड़ी प्यारी लग रही है आज, क्या बना? पसंद करके चले गए तुम्हें? बोलो, कहकर गए हैं कि जवाब देंगे। और अगर जवाब हाँ में हुए? मुझे कोई एहसास नहीं। वाह, बड़ी जल्दी है तुम्हें यहाँ से जाने की। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपनी किस्मत पर राजी हूँ। तुम मना भी तो कर सकती हो। क्यों करूंगी मैं मना? वो जशान और इमरा की पढ़ाई का ख्याल कौन रखेगा? जिम्मेदारी दी है। बहुत कंजूस हो तुम, एक ट्यूटर नहीं हायर कर सकते? कर लूंगा मैं ट्यूटर हायर, तुम्हारी जो मर्जी है ना, तुम वो करो। अम्मी ने खीर भेजी है। शुक्रिया। मैं आपकी नेबर सामने वाले घर में अभी शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा अच्छा, मकान किराए पे लिया है या खरीद लिया? रेंट पे लिया है। अरे सॉरी, अंदर आइए ना प्लीज, अंदर आइए। जी बल्कि थैंक यू फॉर दिस। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, आप खीर देके खुद ही शुक्रिया कर रही हैं। असल में हम लोग लाहौर से आए हैं ना, मेरे अबू की अभी शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर, तो हमने कराची के बारे में बहुत कुछ सुना है, एक्सीडेंट, फायरिंग वगैरह, चोरी, तो इस वजह से आपने मेरे पर इतबार किया और मैंने आपको शुक्रिया बोल दिया। अरे नहीं नहीं, हाँ वैसे आप ठीक तो कह रही हैं, यहाँ पर चोरी चकारी सब तो होता ही है, लेकिन अब हालात बेहतर हो गए हैं और आप मेरे ऊपर एतबार कर सकती हैं पूरा पूरा। आइए ना प्लीज बैठे। मेरा नाम कुलसुम है और ये मेरी खाला का घर है। ओ, अच्छा
तो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती? होते तो जरूर है, वो इस दुनिया में नहीं रहते। I'm so sorry for this. कोई बात नहीं, तुम कुछ बताओ अपने बारे में। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, बस समझे कि कंप्लीट होने वाला है, डॉक्टर बनने वाली हूँ, हाउस जॉब कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे अम्मी अब्बू रहते हैं। भाई बहन नहीं है कोई? नहीं, इकलौते हैं, इसीलिए तो बहुत बोर होती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ जाया करो, ठीक है? थैंक यू सो मच। वैसे पढ़ाई तक तो ठीक है, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारी एंगेजमेंट तो हो गई होगी है ना? नहीं तो? तो होने वाली होगी? पता नहीं। अच्छा, मतलब तुम किसी को पसंद करती हो है ना? नहीं, अभी मैं स्टडीज पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। वैसे और कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरी खाला, मेरी खाला के दो बच्चे, बस और कोई नहीं। हाँ, रिहान, रिहान रहता है। वो मैं क्या कह रही थी कि काफी टाइम हो गया, अम्मी वेट कर रही होंगी मेरा, मैं फिर कभी आऊंगी। ठीक है। है तो वो हूबहू उसके ख्वाबों ख्यालों में आने वाली लड़की जैसी। अब जो अगर वो उसकी जिंदगी में आ गई तो दूरियों का पता। कुलसुम, क्या हो गया? आज दुनिया का आखिरी दिन है क्या? क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुमने मुझे कल्लो नहीं कुलसुम कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओ भाई, कल्लो मैं तुम्हें तब कहता हूँ जब तुम मुझे तंग करती हो। बहरहाल, एक जरूरी बात करनी है तुमसे टेरेस में। आओ। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो ऊपर होगी, यहाँ नहीं हो सकती? तुम्हें कह रहा हूँ ना, जरूरी बात है, जल्दी आओ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। क्या था? लगे सब मेरा मजाक उड़ाने। हाँ तो किसने बोला था इतनी फड़ियां मारने के लिए? अच्छा, जो होना था ना वो हो चुका। एक और फरमाइश आ गई है उनकी। अब क्या? अब कह रहे हैं तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसकी तस्वीर दिखाओ। कहाँ से लेके आऊँ तस्वीर अब मैं? जो
झूठ बोला है कवर तो करना पड़ेगा। आइडिया? ऐसा करो, जो डिस्क्रिप्शन तुमने बताई है उसी किस्म की किसी लड़की की इंटरनेट से पिक्चर निकालो और उन्हें दिखा दो। बड़ी बात, वो नेट वाली लड़की कल को उनके सामने आ गई तो मैं क्या करूंगा? ना भाई, कोई अच्छा मशवरा दो, कोई कोई सीधा। फिर तो मोहब्बत ही करनी पड़ेगी तुम्हें। मोहब्बत? कोई मोहब्बत के लायक भी तो हो ना तब। मोहब्बत के तो सब लायक होते हैं। देखने की बात ये है कि वो शख्स मोहब्बत निभा सकता है या नहीं। और कलो मुझसे ये फलसफियों वाली बातें ना किया कर, आगे बड़ा परेशान हूँ मैं। अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हारी नाजिया कैसी रहेगी, मेरी दोस्त? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? वो नाजिया, उसको देखा तुमने? पकोड़े जैसी नाक है उसकी। अच्छा तो फिर मेरी वो दोस्त पारस कैसी रहेगी? उसकी तो नाक बिल्कुल ठीक है, मैंने देखी है। मुझे नहीं पसंद तुम्हारी दोस्त पारस। वाह भाई, मोहब्बत भी करनी है लेकिन शरायत के साथ। शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि मोहब्बत में अगर शर्त है तो बस वफा। ओ गल्लो तू फिर शुरू हो गई है, कोई सच्ची मोहब्बत थोड़ी है, धा की जमानी है ना दोस्तों के सामने कुछ दिनों के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? एक दफा मतलब पूरा हो गया तो तुम उसे घटा दोगे? नहीं, ऑब्वियसली अगर वो बहुत प्यारी हुई तो जाहिर बात है उसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर ढूंढते रहो अपनी प्यारी सी माशूका, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूं। अच्छा मेरी बात सुनो। बोलो। ये जो सामने वाला घर है हमारा, यहाँ पर कोई नए लोग? हाँ क्यों? कुछ नहीं, वो एक दिन मैं घर से निकला तो मैंने वहां पर एक लड़की देखी थी। तुम जानती हो उसको? लाइबा नाम है उसका। ओ, आज तो बुटीक में बहुत ज्यादा रश था, थक गई मैं तो। क्या पकाया जा रहा है? भिंडी की भुजिया। भिंडी? भिंडी तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन तुम जानती हो ना, बच्चे जैसे ही सब्जी का नाम सुनते नाक चढ़ाते। तुम ऐसा करो कि भिंडी के साथ साथ चिकन की कोई और डिश बना दो। पाला ऐसा क्यों होता है कि लोग सादी चीजों को छोड़ के चमक धमक की तरफ बढ़ जाते हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि चमक धमक बस कुछ ही दिनों की होती है? अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं और ये आंखें वही चीजें देखना चाहती हैं जिनमें रंग होते हैं, शोक और चंचल चीजें। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? और दिल? दिल का क्या? ओफो, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? हाँ वो जो सामने वाला घर है ना हमारा, वहां से कोई लड़की आई है। लड़की? कौन सी लड़की? लाइबा ही होगी, और कौन होगा? हाँ लाइबा ही है, लाइबा ही है। जाओ कुलसुम जाके देखो, पता नहीं किस काम से आई है। और ये जो बताए बगैर लोग आते ना, ये तो वैसे ही मुझे समझ में नहीं आते। कुलसुम लाउंज में इंतजार करिए। जाओ कुलसुम। खाला मैं भिंडी काट रही हूँ ना। जाओ ना, मैं देख लूंगी। जाओ, शाबाश, जाओ।
वो मैं तस्वीरें देख रही थी, बहुत खूबसूरत है, इसलिए आपको क्या आने का पता नहीं चला। थैंक यू। वो ये सब कुलसुम ने ही किया हुआ है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। थैंक यू। हाँ, दुनिया की तो हर चीज खूबसूरत होती है, देखने के लिए तो बस नजरें चाहिए। एनीवे, रेहान, मैं कुलसुम का कजन। डॉक्टर लाइबा, कुलसुम की नई दोस्त। जी, कुलसुम है ही इतनी अच्छी कि सब उसके दोस्त बन जाते हैं। हाँ, लाइबा तुम्हें कोई काम था? नहीं तो फिर आने का मकसद? वो तुमने तो कहा था कि जब भी घर में बोर हुआ करो तो मेरे पास आ जाया करो। प्रिसाइसली प्रिसाइसली, बिल्कुल ठीक कहा। पड़ोसी होते किस लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए तो होते हैं। नहीं, वो मैंने इस उससे कहा था कि जब मेरे पास फुर्सत हो ना तब आया करो, मतलब मुझे बहुत काम होता है अभी भी, बिल्कुल मेरे पास काम मतलब वक्त नहीं है बैठने का तुम्हारे साथ, तो सॉरी। ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाय बाय। तुम अगर थोड़ी देर बैठ जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं बताओ क्या मतलब है। मैं फिलहाल तुमसे बहस नहीं कर सकता। पागल। जहां लड़की देखी बस। वैसे कर लो, तुमने आज उस पुजारी के साथ अच्छा नहीं किया। किसके साथ? लाइबा की बात कर रहा हूँ। पता नहीं किस दिल से आई थी वो हमारी तरफ। तुमने ना चाय का पूछा, नहीं कॉफी का। बंदर कर्टसी में पूछ ही लेता है यार। ठीक है, मेरी गलती थी, लेकिन तुम देख रहे थे मैं कितनी मसरूफ थी। तुम भी तो ऑफर कर सकते थे उसे कुछ, तुम भी तो वहीं थे। हाँ वैसे पूछ तो मैं भी सकता ही था। गलती हम दोनों की है, तो मुझे ना ब्लेम करो। अच्छा मेरी बात सुनो, वो दोबारा आएगी? कौन? ओ मुझे क्या पता। तो तुम उसे बुलाने जाओगे? मैं क्यों जाऊंगी उसे बुलाने? क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती है? अच्छा कर लो। लाइबा है बड़ी खूबसूरत। खूबसूरत? सिर्फ गोरा होने को खूबसूरती नहीं कहते। आंखें देखी उसकी, जैसे कोई बिल्ली। उसको हेजल आईज कहते हैं, अंग्रेजों की होती हैं ऐसी आंखें। बड़ी ही खुला माना तबीयत पाई है आपने जनाब। पता ही नहीं है कि असल कशिश गंदमी रंग में होती है, आटे जैसे फीके रंग में नहीं होती। मैं भी किसको समझा रही हूँ, बंदर क्या जाने अदरक का साथ। चलो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता लाइबा वही लड़की है, इसका मैं पता नहीं कब से इंतजार कर रहा था। अब मेरे सामने आई है ना, बिल्कुल
घबरा गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। समान मेरा साथ ही नहीं दे रही। तुम पता, मैं उसको खोना नहीं चाहता। कर लो, सुन रही हो ना, मुझे अपनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तुम बताओ, मुझसे बात करें इस बारे में? बताओ ना गल्लू, मुझसे बात करें इस बारे में? बहुत अच्छी लगती है गल्लो, तुमसे बात करूं, मेरी बात का जवाब तो दो ना। मेरी बात का जवाब गल्लो, ये क्या पागल बे? चेहरे की स्याही इतनी गहरी है जो मेरे नसीब को भी स्याह कर गई। अगर उसने मुझे मोहब्बत करने का हक दिया है तो फिर बदले में ये बेपरवाही क्यों? क्या उसको कभी एहसास नहीं होता कि इस दिल में सिर्फ उसकी मोहब्बत ही बसती है? ऐसा क्यों यार? कुछ नहीं तो इतना तो कर दे मौला कि अगर वो मेरा ना हो तो मेरी मोहब्बत से आशना तो हो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन तो आजकल तो मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। आपका बेटा भी तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आपको पूरा हक हासिल है कि आप अपने लिए जो बेहतर समझें वही फैसला करें। क्या हुआ मम्मी, किसका फोन था? इनकार कर दिया उन लोगों ने, वो अपने बेटे की शादी कुलसुम से नहीं कर सकते। वजह? बकौल उनके, कुलसुम की रंगत दबी हुई और उन्हें अपने बेटे के लिए गोरी रंगत वाली लड़की चाहिए। ये क्या वजह हुई अम्मी? उन्हें कुलसुम जैसी सुगढ़ और सबका ख्याल रखने वाली लड़की मिल ही नहीं सकती। और क्या वो प्यारी नहीं है? बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसके चेहरे से ज्यादा उसका दिल खूबसूरत है। ज्ञान ये बात हम सोचते ना, लेकिन उन जैसे लोग नहीं, और अक्सर ही इन लोगों के वो अपनी खूबसूरती सिर्फ रंगत में देखते। तो फिर तो मम्मी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो लोग कुलसुम के लायक ही नहीं थे। अक्सरियत तो ऐसे ही लोगों की है ना, कहाँ होगा उसका रिश्ता? आप फिक्र ना करें, कुलसुम का रिश्ता आएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, और इतना ही अच्छा होगा जितनी अच्छी वो खुद है। ऐसे लोग मिलेंगे उसे जो ज़ाहिरी ब्यूटी पे किसी को जज नहीं करते, इंसान को इंसान समझते। क्या तुम इतने समझदार हो?
अरे बुद्धू, मैं कोई पहली लड़की थोड़ी हूँ। ना ये मेरे साथ पहली दफा हो रहा है कि मुझे गशी के दौरे पड़े। क्या तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? जो मेरी किस्मत में था ही नहीं, उसके लिए रोना कैसा? मेरे लिए या किसी भी लड़की के लिए ये कोई हैरत की बात नहीं है। हम लड़कियों को तो इन्हीं फैसलों से गुजरना पड़ता है, इन्हीं हादसात को झेलना पड़ता है, और फिर ऐसे ही किसी हादसे में हम डोली पे चढ़ जाते हैं। ना जाने कितनी लड़कियां जो मुझसे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, गोरी, बेऐब, बेदाग, लेकिन उनकी भी शादियां नहीं होती। कोई उनसे जहेज मांगता है, कोई पैसे, फिर उनके माँ बाप उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बस लग जाते हैं पैसे इकट्ठे करने में। बुरा तो उन लड़कियों को लगता होगा ना रेहान, मैं तो फिर काली हूँ। रेहान देखो, रात भी कितनी स्याह और काली है कि हर चीज ही छुप जाती है, यहाँ तक के तारे भी। हाँ देखा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अंधेरे का तो कोई वजूद ही नहीं है। ये तो रोशनी के ना होने की निशानी है, और तुम्हारी रंगत बिल्कुल भी कम नहीं है। ये उन लोगों की अकल पे पर्दा पड़ चुका, अंधेरे का पर्दा, जो तुम्हारे वजूद से फूटती हुई रोशनी देख नहीं सकते। लेकिन इस अंधेरे को छटना हो, वो सुबह जरूर आएगी, कलो जरूर आएगी, जब हर चीज साफ शफाफ होगी, हर तरफ रोशनी होगी, हर चीज साफ दिखाई देगी। लेकिन तुम्हें उस सुबह का इंतजार करना। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। बैठो ना, प्लीज बैठो। कैसे गए तुम्हारे एग्जाम? ठीक थे। ठीक थे, पास तो हो जाओगी ना? इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि तुम पास हो जाओगी इंशाल्लाह। आइए खाला, कैसी हैं आप? खाले की लाइबा है, हमारी पड़ोसन। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी तो प्यारी है, अच्छी हो तो। अच्छा कुसुम, इसे चाय पिलाए बगैर मत भेजना। हाँ उसी चाय के लिए तो आई है, वरना तो मुझसे खफा होकर बैठी हुई थी। खफा क्यों? अरे खाला, बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ वैसे मुझे भी बहुत देर हो रही है, जरूरी काम से जाना है, बाद में आके सुनूंगी, ठीक है? और इसे खिलाए पिलाए बगैर मत भेजना, ठीक है? खुदा हाफिज। माशाल्लाह, बैठो ना तुम। क्या जरूरत थी तुम्हें कहने की? मैं तुमसे खफा नहीं थी। तो क्या झूठ कहा मैंने? मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, और जहाँ मुझे झूठ बोलना पड़ जाता है उसके लिए मुझे 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं भाई, ये सब नहीं होता मुझसे। तुम भी ना। किसे फोन कर रही हो? रेहान को। वो क्यों? अरे मैं उसे बता दूं ना कि तुम आई भी हो। क्या पागल हो गई हो क्या? बंद करो फोन प्लीज। अरे नहीं, ठहरो तो सही। तुम क्यों कर रही हो इस तरह? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अच्छा ही सोचेगा, जो भी सोचेगा, वैसे भी तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचता है। जो भी है, अगर तुमने फोन नहीं बंद किया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे फोन ही नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, रास्ते में ही होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। तुमने उससे मेरे बारे में क्या कहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कह सकती हूँ, तुम्हारे सारे मैसेजेस उस तक पहुंचा सकती हूँ। बोलो क्या कहना? नहीं कुछ नहीं कहना। अरे शर्मा क्यों रही हो? बताओ मुझे क्या कहने है तुम्हें से? नहीं कसम, मेरे लिए सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, मैं अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंची, और तुम मुझे बात को पता नहीं कहां से कहां लेके जा रही हो। और मैं सच में तुमसे ही मिलने आई थी कुलसुम। और मैं अभी सिर्फ दोस्त की तलाश में भटक रही हूँ, शायद इसलिए कि मैं अकेली हूँ। फिर मैं समझ सकती हूँ कि लोग ऐसे ही सोचेंगे, पर मुझे तुमसे कुछ शिकवा नहीं है। I understand. अच्छा छोड़ो,
चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? इंतजार करो, मैं अभी आई। ये ले खाला, आपकी चाय। थैंक यू। और क्या बातें हुई लाए पास? बहुत सारी बातें हुई, बल्कि अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया है, साफ साफ। ऐसी क्या खास बात हुई मुझे भी पता चले? यही कि लाइबा बहुत अच्छी लड़की है और वो जितनी खूबसूरत हर से है उतनी ही दिल की भी प्यारी है, और मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द ना उसके पेरेंट्स से मिल लें आप। क्यों क्यों बात करनी चाहिए? रिहान के लिए। रिहान के लिए? क्योंकि रिहान के लिए लाइबा बिल्कुल सही है खाला। आपने भी तो देख के उसको अंदाजा लगा लिया होगा ना। बुटीक में मैं रोजाना हजारों खूबसूरत लड़कियों को देखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की रिहान के लिए मौजूद है। हाला मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लाइबा की बात कर रही हूँ। आई थिंक वो बिल्कुल ठीक है उसके लिए। देखो कुलसुम, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कभी जाहिरी खूबसूरती से मुतासर नहीं होती, और एक दो मुलाकातों में हम किसी के बारे में कितना जान सकते हैं। तुमने रिहान से इस मामले पर कोई बात की? हाँ खाला, बल्कि ये सब कुछ रिहान की पसंद से तो हो रहा है। आपको पता है लाइबा वही लड़की है जो उसके ख्वाबों में आया करती थी। अब जब उसके ख्वाबों की लड़की हकीकत बनकर सामने आई गई है, तो हमें भी तो चाहिए ना कि हम उसके ख्वाबों को सच कर दें। और तुम्हारे ख्वाब, उनका क्या? बिन आंखों में ख्वाब नहीं बसते खाला। आप चाय पीजिए ना। लाइबा कल आई थी? हाँ आई थी, बैठी थी, चाय भी पी थी उसने। अच्छा तो मेरे बारे में बात हुई? क्या मैं तुमसे पूछा मेरे बारे में बात हुई? सीधी तरह बताओ ना मुझे। यही कि तुम इस घर के अखबार तो बस। हाँ भाई, फिर हम लोगों ने अपनी बातें क्यों करनी चली गई। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसकी बातों से क्या लगा? कि वो बहुत परेशान है। परेशान क्यों? उसके इम्तिहान चल रहे हैं ना, इसलिए। चलो ये भी कोई परेशानी है, इम्तिहान तो इवेंचुअली खत्म ही हो जाते हैं। हाँ लेकिन लड़की के असल इम्तिहान तो उसके तालीमी इम्तिहान के बाद ही शुरू होता है ना। इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, उसके माँ बाप उसे कब तक घर पर बिठा के रखेंगे? उसकी शादी करवा देंगे जल्दी, है ना? अच्छा तो कलो को मुझे क्या करना चाहिए? ये भी मैं ही बताऊँ। कलो देखो ना, तुमसे बेहतर अम्मी से कोई बात नहीं कर सकता, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तुम ऐसा करो, अम्मी मेरी और लाइबा की बात करो। रिहान तो मुझे हर चीज में घसीट दो, खुद से कुछ भी नहीं कर सकते तुम, क्या क्यों? देखो कलो प्लीज, तुमसे बेहतर अम्मी से ये बात कोई नहीं कर सकता। तुम अम्मी को समझाओ ना कि मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, यू आर स्वीट। अभी तुम्हें कॉल करूंगा ऑफिस, देर हो रही है मुझे, मैं चलता हूँ। बाय, थैंक यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम रिहान को बहुत चाहती हो, उसे पसंद करती हो, उसके बावजूद तुम इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर राजी हो गई हो। सच बात है फाला कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वो किसी और को पसंद करता है, और मुझे रिहान की पसंद ना पसंद का ख्याल रखना अच्छा लगता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता,
मुझे तो अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की की तलाश है जो उसे टूट कर जाए, मुश्किल वक्त में उसका साया बनी रहे। तो कुलसुम, ये सब कुछ तुम कर सकती हो। इसके लिए तो मुझे से सारी जिंदगी मोहब्बत करनी पड़ेगी खाला। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही मिलेगा। नहीं खाला, मोहब्बत एक प्यास का नाम, मिल जाए तो बुझ जाती है। मैं उससे सारी जिंदगी मोहब्बत करती रहूं, इसके लिए लाजिम है कि वो मुझसे मोहब्बत ना करे। वो जो चाहता है ना खाला, उसे दे दे। जिसको पसंद करता है उसका हो जाए प्लीज। कुलसुम, आखिर तुम किस मट्टी की बनेंगी? तुम्हें जरा भी जलन नहीं होती? सच बताऊं तो जलन है, हसद है, रकावत भी है। लेकिन अगर मैं रेहान से मोहब्बत करती हूँ तो मुझे उससे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी जिससे वो पसंद करता है। मैं चाहकर भी लाइबा से नफरत नहीं कर सकती खाला। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप एक दफा लाइबा की अम्मी से मिलें। ठीक है, मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं चली जाती हूँ। और अगर तुम मेरा जवाब सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले से बता देती हूँ कि मेरा जवाब ना में ही होगा। आप ना कर ही नहीं सकते खाला, क्योंकि आप भी रेहान से बहुत मोहब्बत करते हैं। हेलो, कैसा लग रहा है? बस ठीक ठीक। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरी फेवरेट शर्ट है, मुझे पता है मैं इसमें बहुत कूल लगता हूँ। कूल लगते हो? तुम्हारी फेवरेट शर्ट है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी को पसंद आएगी। एक सेकंड। क्या मतलब है भाई? ठहरो ना। ये शर्ट पहनो, बहुत अच्छी लगे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। पहनो ना, बहुत अच्छी लगेगी, प्रॉमिस। नहीं, हर बात क्यों मनवाती हो? मुझे तुम्हारा शर्ट चेंज करनी पड़ेगी। काश मैं तुमसे हर बात मनवा सकती। कर लो ये। नहीं, थैंक यू। तुम बातें बिल्कुल ठीक कह रही थी, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं तो सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते उन्हें डिनर पे बुलाकर लाइबा को बाकायदा रिहान के लिए मांग। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप खाला, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा झंडा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं तो जितने कम लोग हों उतना अच्छा। बल्कि मैं तो कहती हूँ लगे हाथों घूटियाँ भी बदल लेते। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन पता नहीं उन लोगों को कोई एतराज ना हो इस बात, माने या ना माने। नहीं नहीं खाला, मुझे लगता है वो लोग जरूर मान जाएंगे। आपने देखा नहीं था वो कैसे रिहान के बारे में पूछ रहे थे कि वो कितना कमाता है, कितनी तालीम है, कहाँ जॉब करता है? मुझे लगता है वो जरूर मान जाएंगे। सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। नहीं खाला, सब कुछ ठीक हो रहा है और अपने वक्त पर हो रहा है, आप बस मुझ पर भरोसा रखें। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, कल जाके उनको रात के खाने में बुलाती हूँ और साथ ही काम में ना मम्मी की बात भी डाल देती हूँ। ठीक है? ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझती हो वैसा करो।
हाँ मुझे याद आया, अपनी फूफू को कॉल जरूर कर लेना। सुबह से दो बार फोन कर चुकी है तुमसे बात करने के लिए। हुँ? जी खाला, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आऊँ? चाय अभी तो पी के आए वहाँ से, बार बार चाय पियेंगे क्या? और तुम्हें भी ना बस काम करने का बहाना चाहिए, चुप करके बैठो। चले मैं आपको दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं क्यों, कुलदुम तुम भी ना। हेलो जी अमजद भाई। हाँ वो मिसेस शबीर आएंगी, उनकी ड्रेसेस रेडी हैं, दे दीजिएगा उन्हें। ठीक है ये लो रिहान, बिस्मिल्लाह करो। आप सबको मुबारक, आज से आपकी बेटी हमारी अमानत हुई आपके पास। बस इसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगी कि अपने घर ले आऊं। जल्दी से मिठाई भी लेकर आओ ना। तुम्हारे पापा बता रहे थे मुझे कि तुम्हारी जिद है कि जब तक तुम हाउस जॉब कंप्लीट नहीं कर सकती हो तब तक तुम शादी नहीं करोगी। हाँ हाँ ये मेरी जिद थी कि मैं पहले डॉक्टर बन जाऊँ और उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूं, पर तब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे। फिर तो मेरी हर कई बात तुम्हें माननी होगी। ऑफ कोर्स आई नो। तो फिर तुम अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करोगी, हाउस जॉब भी कंप्लीट करोगी और डॉक्टर भी। आज से तुम्हारी हर जिद मेरी ख्वाहिश। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐसा नम साथ कहीं कोई किसी की मोहब्बत में ताजमहल बनवाता है और कहीं कोई मोहब्बत करने के जुर्म में दीवार में चुनवा दिया जाता है। लेकिन मोहब्बत तो एक सी होती है, मुखलिस, सच्ची और कमज़ोर। इतनी कमज़ोर कि मोहब्बत खुद को मोहब्बत कहलाने से भी डरती है। हर वक्त उसे दोस्ती, रिश्तेदारी और बचपन के साथी का लिबादा उड़ाकर ही पेश किया और उम्मीद रखी कि वो समझेगा। ना समझ वो नहीं, ना समझ तो तुम थी कुलसुम। उस दिल वो नहीं, उस दिल तो तुम थी। तुमने उससे मोहब्बत की थी, अब उसकी सजा भी तुमको ही मिलेगी। उसके मोहब्बत की कैद उम्र कैद नहीं है, रास्ते दिखा दे प्यार के। कसुम हमेशा तो बहुत सिंपल रही है, बहुत सादा, बहुत बेसिक। ना उसे कभी तैयार होने का शौक रहा, ना मेकअप का, ना कपड़ों का, ना फैशन का। बल्कि द अदर डे देयर वाज दिस इवेंट एट होम और मैंने उसे कहा कि जाके तैयार भैया हो जाओ, लेकिन नहीं, मैडम चली गई किचन में और लग गई खाने पकाने। सुबह से बादल आए हुए हैं। हाँ लगता है काफी तेज बारिश होने वाली है। तुम्हें पता है मुझे बारिश में बहुत पसंद है। उसमें मुझे लगता है कि ब्रेन इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि वो जो उसका कीचड़ वाला एलिमेंट है ना, वो थोड़ा सा
परेशान करते हैं, बाकी आई लव रहे हैं। बारिश तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। सी आई टोल्ड यू मेरी और तुम्हारी चॉइस कितनी मिलती है। देखो हल्की हल्की हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो, आप घर की छत पे हो और कुलसुम के हाथ के बने हुए समोसे और पकौड़े और चाय हो यार। तुम और कुलसुम बचपन से साथ साथ हो? हाँ हमेशा से। तुम्हें बताए उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके बाद वो बहुत शदीद किस्म के सदमे में चली गई थी, स्कूल में भी फेल होने लग गई, तो फिर उसे यहाँ पर ले आई अम्मी। सोच रहा था कि मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मैं बिल्कुल बिखर गया था, मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अच्छा मैं थेरेपी के है सर। हाँ लेट्स गो। अम्मी क्या हुआ है रेहान, चिल्ला क्यों रहे हो? अम्मी मीठी चाय बना के दे दी आपने, आपको पता ना मैं मीठी चाय नहीं पीता, इसलिए कह रहा था कल सूम को कह दिया करें, उसे कम से कम मेरी पसंद नापसंद का तो पता होता है ना। ओहो ये तो मुझे आज पता चला। कुलसुम कहाँ पर है, दिखाई क्यों नहीं दे रही? कुलसुम कुलसुम तो चली गई। क्या क्या मतलब चली गई? हाँ वो आज सुबह ही को अपने पुप्पो के घर चली गई है। उसने तुम बताया भी नहीं? अच्छा तुम्हें क्या बताती? यही कि वो जा रही है, वापस कब आएगी? अरे बुद्धू उसकी शादी उसके पुप्पो के बेटे के साथ तय हो गई है। उसकी पुप्पो ने उसे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद किया है, शादी हो रही है उसकी। कुलसुम की शादी? और हम सबको जाना है, समझ रहे हो ना मेरी बात? कुलसुम तो मुझसे बहुत जिद कर रही थी कि आप मेरे साथ चलें, मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन मैंने उसे समझाया, मैंने उसे कहा कि देखो बच्चों की छुट्टियाँ अभी तो ख़त्म हुई हैं, अभी स्कूल शुरू हैं, शुरू में ही मैं छुट्टियाँ नहीं करा सकती, तब जाके वो मानी है, लेकिन हम सबको उसके निकाह में जाना है, समझे तुम? तैयारी रखना। रेहान कहाँ गुम हो गए? अच्छा रेहान मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ फिर तुम्हारे लिए खाना निकाल लेती हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, बहुत थक गई हूँ आज तो। दाल चावल शिकलो तेरा मसला क्या? जब देखो दाल चावल दाल चावल दाल चावल भी नहीं खाने, कुछ और भी बना लिया करो। चुप करो रेहान, इतने नफरत तो निमरा के भी नहीं है सीरियसली। निमरा बच्ची है ना, उसको पटा दिया होगा तुमने अपनी बातों से, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। हर चीज में इतने नखरे निकालना अच्छी बात नहीं होती, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना तो फिर भी यही खाना है। ये क्या मुसीबत है, इस वक्त तो बाहर भी कुछ नहीं खुला होगा। हाँ तो किसने बोला था इतनी देर से आओ, ऊपर से अजीब चीप दोस्त है तुम्हारे, तुम्हें कुछ खिला के भी नहीं भेजते। मेरे दोस्त बिल्कुल भी ऐसे नहीं, मैं खुद नहीं खाता क्योंकि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद, लेकिन घर आओ तो तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखने को मिलती है। सड़ी हुई शक्ल, एक तो इतनी रात तक तुम्हारा इंतजार करो, तुम्हारा खाना परोसो, तुम्हें तुम्हारे सारे नखरे उठाओ, ऊपर से ऐसी बातें सुनने को मिले मुझे, मैं चली जाऊंगी ना, याद करते रहोगे तुम मुझे। अरे हेलो, हाँ हाँ यहाँ सब खैरियत है, तुम बताओ सब ठीक है वहाँ पर? मैं ठीक हूँ खाला, रेहान आ गया? हाँ रेहान थोड़ी देर पहले घर आया है, खाना खा रहा है अभी, दाल चावल। उसकी हालत से नीचे नहीं उतरेगा दाल चावल, ऐसा करें उसे दो अंडों का ऑमलेट बना के दे। रेहान तुम कहो तो मैं तुम्हें ऑमलेट बना दूँ। जी मैं ठीक हूँ। मना कर रहे, कह रहा है कि वो दाल चावल ही खाए। किसको फोन? कुलसुम है, बात करोगे?
मैं भी खाना खाऊं। अच्छा, असल में रेहान को दाल चावल बहुत अच्छे लगे, वो बहुत शौक से खा रहा है। अच्छा तुम बताओ, पुप्पो कैसी है? अच्छा बाद में जरूर फोन करना मुझे। खुदा हाफिज। क्या हुआ, हाथ क्यों रोक लिया? चक्कर देखी है अपनी, तुमसे शादी कौन करेगा? है एक शहजादा, वो ही करेगा। हाँ, उस शहजादे की नजर ही खराब होगी वैसे। हाँ वैसे ये तो सही बात है, उसकी करीब की नजर कमजोर है, करीबी चीजें उसे दिखाई नहीं देती। देखा, मैंने कहा था ना बेचारा कोई अंधा ही होगा तो तुमसे शादी करेगा। अंधा तो है, अक्ल का अंधा है बेसिकली। वैसे तुम मुझे ना भी बताते वैसे ही मुझे पता था, पता है तुम्हें। हाँ जी, मैंने तुम्हें कहा कि बालों का मजाक नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, ठीक तो करने दो। चली जाऊंगी, ढूंढते रह जाओगे तुम, समझ में आई तुम्हें? अच्छा अच्छा काला, सारे बाल खराब कर दिए। इनको तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा भी था लेकिन मान ही नहीं रही थी। तुम मुझसे तो कह सकते थे ना। कौन है? आंटी मैं कुलसुम। नहीं अम्मी, ये लाइबा है। रियान कुलसुम को बुला दो। कुलसुम कहाँ है? अम्मी आप बस परेशान ना हो, जल्दी से ठीक हो जाए। मैं लाइबा है ना आपके पास। कुलसुम कुलसुम चलो। हाँ मैं तुम्हें छोड़। कोई बात नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी, तुम ख्याल रखो इनका। बस बस, पैर छूने की जरूरत नहीं, बड़ी नहीं हूँ तुमसे। आ गया मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी। जी, मगर अब नहीं। मेरी तबीयत तो सिर्फ एक यखनी की मार थी,
लेकिन शर्त यह थी कि वो यखनी कुलसुम के हाथ की बनी हुई है। अब ये आ गई है ना, अब देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। गई भी तो बगैर बताए, बताती तो रोक लेती। रोक लेता तुम्हें घर में बांध देता था और कहीं भी जाने ना देता। क्यों, क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी, किस हक से रोकती? दोस्त हूँ ना तुम्हारा। दोस्त? दोस्त तो दोस्तों की खुशी में खुश होते हैं, तुम तो मुझे बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। मैं भी बिल्कुल वैसे ही खुश जैसा तुम मेरी मम्मी को। हिसाब बराबर? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये तो होती रहेंगी, चल के बैठते हैं, चाय बना लेना। अब मैंने आपके ऊपर आयत करीमा का भी वध कर दिया है, इंशाल्लाह कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुलसुम ये बात तुम जानती हो ना, तुम्हारी दुआओं की वजह से मैं हमेशा भली चंगी रहती हूँ। आपकी मोहब्बत है खाना, वरना मैं किस काम? तुम जिसके काबिल हो ना उसके पास जा रही हो। काश काश मेरा रेहान भी इस काबिल होता। मैंने हमेशा ये ख्वाहिश की कि तुम्हें अपने पास रखूं, और खुदा ने मेरी सुन भी ली, तुम मेरे पास वापस आ गई। लेकिन काश मैं ये दुआ मांगती कि तुम सारी जिंदगी मेरे पास रहो, यहां से कहीं भी ना जाओ। खाला हम सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है ना, लेकिन जब तक सांसों का साथ साथ है तब तक तो तुम मेरा साथ दे सकती हो ना कुलसुम? नहीं खाला अभी मुमकिन नहीं है, बहुत कम है, और रेहान भी किसी का होने जा रहा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकती एक छोटे से ख्वाहिश के लिए। हाँ वैसे भी मैं इतनी दूर थोड़ी जा रही हूँ, दुबई तो पास में ही है ना, जब बुलाएंगी फौरन से आ जाऊंगी। ठीक कह रही हो तुम, बेटियां तो होती हैं पराया धन, उन्हें तो एक दिन अपने घर चले जाने होते हैं। मैं नहीं मानती, बेटियां अगर पराई होती हैं तो इतने साल अपने होने का एहसास उन्हें क्यों दिलाया जाता है? माँ बाप बहन भाई चाचा चाची इन सारे रिश्तों से हम पहले अटैच हो जाते हैं और फिर हमें पराया करार दे दिया जाता है, ये तो नाइंसाफी है खाला। मेरी जान ये रस्म है, रिवाज है हमारे माशरे के, जिन्हें निभाना पड़ता है। ऐसे रस्मों रिवाजों को मैं नहीं मानती खाला, ये सारे रिवाज मेरे पांव की ठोकर पर है। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? और अगर ऐसा कर सकती हो तो फिर ढोंड डालो इन रस्मों और रिवाजों को। क्या बात है, क्या इमरजेंसी हो गई थी? तुमने मुझे ऑफिस से बुलाया और फोन पे तमाशा क्यों लगाया हुआ देखा? तमाशा? तमाशा तो तुमने मेरा बना दिया। ना मैं सुकून से सुख सकती हूँ, ना मैं जिंदगी को अब सुकून से गुजार सकती हूँ। हर वक्त मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं वो मुझे तुमसे छीन ना ले। लाइबा हमारे मामले के बीच में कुलसुम को मत लेकर। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बीच में तो मैं आई हूँ, हम दोनों के बीच में तो कभी कुछ था ही नहीं सिवाय चंद गलत फहमियों के। लाइबा मेरी बात को, अगर मेरे और कुलसुम के दरमियान कुछ था भी ना तो उसका असर हमारे रिश्ते पे नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और जा रही है वो यहाँ से,
कभी ना वापस आने के लिए तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। रेहान, कुलसुम की शादी, क्या तुम अब भी नहीं समझे? देखो लाइबा, कुलसुम अब वापस नहीं आ सकती। उसने अपनी वापसी के सारे रास्ते खुद ही बंद किए। देखो जिस तरह मैंने इस सच्चाई को तस्लीम कर लिया ना, तुम भी सच को मान। सच तो ये है रेहान के तुम सिर्फ कुलसुम से मोहब्बत करते थे करते रहोगे। शायद पहचानने में तुम्हें थोड़ी देर हो गई, और ये तुम्हारा हक है। मैं कौन होती हूँ कि मैं तुम्हारे हक को तुमसे छीन? लाइबा, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। जिंदगी भर का दुख लेकर कौन सा सुख दोगे मुझे? पागल, ये जो डिजर्व करती है, जिसकी किस्मत की है, उसी को। जब तक तुम मुझे तंग करना नहीं बंद करोगी, मैं तुम्हें कल्लो ही कहूंगा। तो इतना ख्याल रखो, ऊपर से कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। किसने कहा ना रखा करो? जब मैं चली जाऊंगी ना तो पुकारते रहना कल्लो कल्लो। ओ जाओ जाओ, मेरी तरफ से कल की जाती आज जाओ, तुम जाओ। माशाल्लाह, कितनी तो प्यारी लग रही हो तुम। अब ठीक है ना? मैं यही चाहती थी कि तुम हमेशा इसी तरह तैयार रहो। कब तक आ रहा है सलमान? फोन पर भी बात हुई है, वो बस रास्ते में ही है। खैरियत से जाओ, मेरे दिल से हमेशा तुम्हारी यही दुआएं निकलती कि अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे। मैं आती रहूंगी खाना, जो तुम बेहतर समझो, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। लेकिन कुलसुम, तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी। तुम्हें मैंने हमेशा अपनी बेटियों की तरह ही समझा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा। मैं भी आपको बहुत याद करूंगी खाला। खुश रहो सदा, खुश रहो। Thank you.
मैं जानता था तो मेरा इंतजार जरूर करो। सलमान का इंतजार करो। सलमान मुझे लेने आना। मना करो उसे। क्या? उसे कहो कि तुम उसके साथ नहीं जा सकते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर तुम नहीं कर सकती हो गिव मी योर फोन। मैं उससे बात करता हूँ, उसे कहता हूँ कि तुम नहीं जा सकती। दो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मैं तुम्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगी कि पूरी जिंदगी याद रहेगा तुम। अगर तुम्हारा ये थप्पड़ मुझे तुमसे सारी जिंदगी के लिए नफरत के काबिल बना सकता है तो मारो ये थप्पड़। मैं नहीं चाहता कि जाने से पहले तुम्हारी कोई भी हसरत मार की जाए। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने आज तक जो चाहा है वो तुम्हें मिला है। मैंने हसरतें सही है मैंने। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, क्यों किसी और की खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही हो? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम सलमान से मोहब्बत नहीं करती। हाँ लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता है जैसे लाइबा तुमसे मोहब्बत करती है। और मैंने सुना है कि जिंदगी उसी के साथ गुजारनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो, जिंदगी बेहतर गुजरती है। गलत सुने, जो तुमसे मोहब्बत करेगा ना मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मांगेगा। क्या करोगी? जिंदगी रिश्तों के सहारों के बगैर भी गुजारी जा सकती है। जिंदगी तो तन्हा भी गुजारे जा सकती है। हाँ क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहता हूँ। वो मोहब्बत जो तुम हमेशा मुझसे करते हो, सिर्फ उससे, जिसमें कोई और शामिल नहीं है। मैं ऐसी मोहब्बत को जाया नहीं कर सकता। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें तो आदत है यार, तुम तो अपने झूठे खिलौने तक भी किसी को नहीं देते थे। अपनी मोहब्बत की धौंस जमाकर मेरे पैरों में मेडिया मत मार प्लीज। मैं हमेशा से तुम पे धौंस जमाता हूँ क्योंकि कसूम मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी अंगूठी मेरे से हाथों पे अच्छी नहीं लग रही। तुम तो गोरी लड़कियां पसंद, तुम तो काली। हमसे ज्यादा खूबसूरत